कई सारे समस्या आ रही थी सभी लोगों को, और उसी के संदर्भ में मैंने आज बैठक ली थी। जैसे पानी की समस्या आ रही थी, कहीं बोरिंग खराब है, कहीं टंकियाँ पूरी नहीं भर रही थी, तो वो समस्या बताई। ऐसी खास समस्या पानी की नहीं आ रही है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत थी बोरिंग वोरिंग सुधारने का, तो वो बताया। दूसरा जो खास जनता को समस्या आ रही है सब्जियों की, क्योंकि लगातार लॉकडाउन होने के कारण सब्जियां नहीं मिल पाने के कारण लोगों को परेशानी आ रही थी, तो सब्जियों का भी वितरण 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने 311 ऐप के माध्यम से कचरा वाहन का मॉनिटरिंग किया था, उसी प्रकार से ये किराना सामान का वितरण हो रहा है, उसी के साथ ही सब्जी का वितरण भी 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी फल फ्रूट की और सब्जी की समस्या। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, कई किसानों के फ़ोन आए जिनकी सब्जियां ख़राब हो रही है, तो 2-3 दिन में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ये निर्देश दिए हैं। दूसरा स्वास्थ्य वाला विषय था, जो कई जगहों मच्छरों का प्रकोप चल रहा, तो मच्छरों की दवाई डालना, सैनिटाइज करना, सभी वार्डों में सैनिटाइज हो जाए, ये मैंने बताया है। और कई सारी जो मूलभूत लोगों की समस्या थी वो आज मैंने रखी। और एक बड़ा मैटर है क्वारंटाइन सेंटर में जो स्वस्थ हो गए हैं लोग, उनको प्रॉपर उनकी रिपोर्ट आ जाए, जांच की रिपोर्ट, और वो अपने घर चले जाए, ये था। और दूसरा जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में सामान्य मरीजों को नहीं लेने का था, कल विधानसभा एक के एक झंवर जी थे, उनको 3 हॉस्पिटल में गए, लेकिन तीनों हॉस्पिटल में उनको नहीं लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। सामान्य मरीज थे, लेकिन उनको, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रात में बताया। तो ये सब विषयों पर हमने आज चर्चा के लिए हमने ये मीटिंग रखी। फल का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, फल फ्रूट का, उसमें संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए फल फ्रूट को अभी प्राथमिकता नहीं दी है। सब्जियों का 2-3 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। बैठक कोई भी ले, जनप्रतिनिधि ले, विधायक ले, या आने वाला दायित्व के हिसाब से ले, लेकिन जो जनता की समस्या है वो मैंने उठाया और उनके लिए मैं सदा खड़ी रहूँगी। विरोध करना है उनको, ये दिमाग नहीं कि इतनी आपातकाल की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करना, अब उसको लेके बैठे हैं। वो हमेशा से विरोध करते आए, मैं सकारात्मक सोचती हूँ और सकारात्मक दिशा में हमको जनता के दायित्व, जनता की सुविधाओं के लिए हमको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, और वो मैंने उठाया। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जो इतना आपातकाल में है वो मैं बैठक ले सकती हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जनता के प्रति मेरा दायित्व है कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं, और इसीलिए मैंने सिर्फ अधिकारियों को बुलाया था, सभी जनप्रतिनिधि लगातार बैठकों में आ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी ली थी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी ली थी, सभी बैठकों में हम लोग उपस्थित थे। जो केंद्रीय टीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजी थी उसमें भी हम लोग सभी थे, तो ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन मेरे पास जो मूलभूत समस्या आ रही थी उसी के लिए, और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दायित्व देने का निर्णय लिया है, उसी के आधार पर मैंने ये बैठक ली। कई एकाध दो घटना घट रही है, लेकिन हाँ, इनको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स हो या स्टाफ हो। हाँ, थोड़ी समस्या डॉक्टर्स को भी आ रही है, क्योंकि उनका स्टाफ काम नहीं कर रहा डर के मारे, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही है, लेकिन उस समस्या का समाधान करना भी हमारा काम है। तो
जो सामान्य हमने तीन जोन में जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन, तो येलो वाले में आप सामान्य मरीज को ले सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा इससे दूर भाग रहे हैं। तो मैं सभी हॉस्पिटल वालों को भी इस टीवी के माध्यम से, डॉक्टर्स को भी कहना चाहूँगी कि अभी संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर इस बीमारी से छुटकारा पाना है, तो सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा।